जैसे कार्य किया है वर्ष 2016-17 में आप ऐसा का समदड़ी से श्रीमान। तो नाथद्वारा साहब सीधी तस्वीरें देख रहे थे। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से अगली खबर खंडेला सड़क मामले से जुड़ी हुई खबर है। ये ग्राम पंचायत खंडेला की सड़कों का मामला है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम आदेश दिए हैं। 52 सड़कों के लैब टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। और उधर जोधपुर में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। सीएम राजे बैठक में हिस्सा ले रही हैं। शाम को मुख्यमंत्री रोड शो करेंगी। कार्यसमिति के बाद कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। राजनीति में हर विषय मायने रखता है और चूंकि हम राजनीतिक दल हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ईटीवी विशेष में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हीरे का नाम जब भी लिया जाता है कोहिनूर का नाम सबसे पहले आता है। आखिर हो भी क्यों ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है। पूरे देश में आजादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। हर तरफ खुशी है, हर्षोल्लास है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मर्डर के पन्ने बताते हैं कि नकारात्मक कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी ना के बराबर है। सही मायनों में हम उस दिन आजाद होंगे जिस दिन महिलाएं निडर होकर घर के बाहर निकल सकेंगी और अपने फैसले खुद ले सकेंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। लेकिन हम आपको दिखाएंगे सिर्फ वो चीजें, ले जाएंगे उन स्टॉल तक जो यहां पर सबसे ज्यादा खास है। कम विद मी। तो आपके काम की जो सबसे पहली चीज हमें यहां पर मिली है वो है सिटी टॉक। सिटी टॉक बेसिकली एक एप्लीकेशन है और आईआईटी कानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसे बनाया है। मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बीजेपी के बड़े नेताओं में भी टिकटों को लेकर खींचतान मची हुई है। दौसा संसदीय सीट पर रोमांचक होगी चुनावी जंग। दो भाई चुनावी मैदान में देंगे एक दूसरे को चुनौती। नमस्कार, न्यूज इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब आपको दिखाते हैं कि करौली धौलपुर सीट के ऊपर इस बार मुकाबला किन किन उम्मीदवारों के बीच है। लेकिन यही जागरूकता दूसरे चरण के मतदान के अंदर भी राजस्थान के नागरिकों में होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दर्शन में। मैं हूँ शालिनी कपूर। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से परेशान है। अगर आपके जीवन में भी कोई कष्ट है तो न्याय के देवता शनि करेंगे आपके सभी कष्टों का अंत। महाकाल की नगरी उज्जैन में भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली। लेकिन इतना काफी नहीं है गर्ग जी के 5 साल काफी नहीं होते हैं। आपके सांसद के लिए इतना वक्त काफी नहीं था कि इस जगह को भी करौली को भी जोड़ा जाए रेल से। किसके सर सजेगा ताज, ये बात 24 तारीख को सामने आ भी जाएगी। खास पेशकश में हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। और भरतपुर में न्यूज इंडिया की खबर ने दिखाया असर। मासूमों ने खून के सौदे की जांच के लिए प्रशासन ने बनाई कमेटी। ब्लड बैंक का लैब असिस्टेंट निलंबित। तो प्रदेश की 5 संसदीय सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। सुबह से ही हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं कि किन सीटों पर कितना प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो अभी तक मतदान का जो प्रतिशत है वो आपको बताएंगे। अलवर में 15.45% मतदान अब तक हो चुका है। भरतपुर में आंकड़ा 14.33% का है।
जनाक्रोश में मैं हूं शालिनी कपूर। जनाक्रोश एक बार फिर दिखाई दिया है। इस बार जनाक्रोश दिखा सीकर की सड़कों पर, जहां एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में लोग खुद ही आरोपी को दंड देने चले आए। इतना गुस्सा था लोगों के अंदर कि 4 घंटे तक आरोपी के साथ गांव वालों ने मारपीट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं शालिनी कपूर। क्रिकेट के दीवानों का यह देश जिसमें क्रिकेटर को भगवान की तरह पूजा जाता है, उस देश में इन दिनों ये खेल सिर्फ ग्राउंड में ही नहीं उसके बाहर भी खेला जा रहा है। महत्वाकांक्षाओं की यह लड़ाई बीसीसीआई और आरसीए के बीच है और मोहरा है ललित मोदी। देखिए यह खास रिपोर्ट। क्रिकेट में विवादों की पिच पर उछाल है। आरसीए के अध्यक्ष पद के परिणाम की गेंद ललित मोदी के पाले में जाकर बॉडी लाइन पीमर बन गई है। मोदी और बीसीसीआई के बीच अहम का टकराव अब उस मोड़ पर आ गया जहां आरसीए को बीसीसीआई की मेंबरशिप से हाथ धोकर कीमत चुकानी पड़ी है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। तो बोरवेल में गिरी तनु, 18 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, निकालने की सभी कोशिशें जारी। और भरतपुर में न्यूज इंडिया की खबर ने दिखाया असर। मासूमों ने खून के सौदे की जांच के लिए प्रशासन ने बनाई कमेटी। ब्लड बैंक का लैब असिस्टेंट निलंबित। प्रदेश की 5 संसदीय सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। सुबह से ही हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं कि किन सीटों पर कितना प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो अभी तक मतदान का जो प्रतिशत है वो आपको बताएंगे। अलवर में 15.45% मतदान अब तक हो चुका है। भरतपुर में आंकड़ा